सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल के ऊपर, आपके अपने चैनल के ऊपर MMLG पे आपकी हर प्रॉब्लम से रिलेटेड एक वीडियो डालते हैं हम। तो आज किसी भाई का 4-5 दिन पहले मैंने कमेंट देखा था, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने किया था कि भैंस के इंजेक्शन कैसे लगाया जाए उसके बारे में जानकारी दें। तो ये बड़ा अहम मुद्दा है क्योंकि हमें बता तो देते हैं ये ट्रीटमेंट देना है, ये देना है, और फिर भी बहुत सारे लोग डॉक्टर पे डिपेंड रहते थे इतनी सी बात पे कि टिक्का जो है डॉक्टर से लगवाना पड़ेगा, और उसी चीज़ के लिए फिर डॉक्टर किसान को डिस्टर्ब भी करता है क्योंकि फिर वो अपनी ईगो उसके आगे आ जाती है, वो सोचता है कि मैं बोलूँ वो इंजेक्शन लगाओ। तो किसानों को इस तरह की दिक्कत आती है। किसान दवाई कुछ लगाना चाहता है कहीं से पूछ के, नए यूनिवर्सिटी से या किसी अच्छे डॉक्टर से, और वो दवाई ना देखें जिस डॉक्टर से लगवाता है वो डॉक्टर फिर अपने हिसाब से लगाना चाहता है, तो किसान के लिए बड़ी समस्या का विषय हो जाता है और वो बेचारा फिर खुद लगा नहीं सकता, तो इसलिए उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो उस डॉक्टर की खुशी के लिए या उसके साथ रिलेशन रखने के लिए मजबूरी में उसी से वो इंजेक्शन लगवाता है। तो ये अच्छा टॉपिक आपने याद दिलाया, इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है और क्या देखना होता है इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इतना मुश्किल नहीं है। कहाँ लगाया जाता है ये एक देखने वाली बात है। यदि आपने मांस में इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ, आप आइए देखिए। ये जैसे पाँव की हड्डी होती है, ये पाँव की हड्डी होती है, ये पाँव की हड्डी को इधर से आप चार आपका हाथ रखे तो चार अंगुल छोड़ दो ऊपर, ये गर्दन की हड्डी होती है, ये वाली गर्दन की हड्डी, चार अंगुल इसको ऐसे चार लगभग 2 इंच ऊपर छोड़ दो गर्दन के, और ये जो अगला पाँव का जो होता है गोडा होता है भैंस का, 2 इंच इधर से छोड़ के, ये जो एरिया होता है फिर ये ऐसे छोड़ के आप ये देख अच्छी तरह देखो, चार आंगल ऊपर चार हड्डी के बीच में छोड़ दिया, और जो ये बीच का जो एरिया बनता है यहाँ पे आप इंजेक्शन लगाएं। तो इसमें इंजेक्शन में लगाने में आपने क्या ध्यान देना है, जब आप सुई मारते हो तो पहले तो सुई को चेक कर लें। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकली, ये जैसे सुई होती है इसको चेक करें। कई बार हम सेकेंड हैंड सुई भी यूज करते हैं, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड हैंड सुई यूज करते हैं तो ये ऐसे लाइन गिरती है, ये मेरे हाथ पे लाइन पड़ रही है आप देख लो, ये लाइन यदि गिर रही है तो इसका मतलब ये सुई आगे से मुड़ी हुई है, खराब है, मुड़ी हुई और खराब सुई यदि आप लगाओगे तो वहां पे भैंस के सूजन आ जाएगी। तो इसलिए आपने जो लाइन गिरे बॉडी पे ऐसे इसको टेस्ट करने का ये मेथड होता है दोनों साइड से, ये लाइन नहीं गिरनी चाहिए। जैसे अब ये मैं साफ सुई यूज करूंगा, नीडल यूज करूंगा, तो इसमें कोई देखो मेरे हाथ पे कोई लाइन नहीं पड़ रही है। यदि ये सुई इस तरह की दोनों साइड से चेक करेंगे लाइन नहीं गिर रही है तो नीडल सही है। तो पहले आप नीडल मारेंगे, ये तो होगा कितना खास बात थी ये सुई आपको जैसे नीडल जो है चेक करने की, वो आगे से मुड़ी हुई होनी चाहिए, फ्रेश सुई होनी चाहिए। दूसरा, जो ही आप सुई मारते हो भैंस के गर्दन पे नीडल मारते हो तो ब्लड नहीं आना चाहिए, यदि ब्लड आता है तो समझो दवाई कहाँ पे गई, नस के अंदर गई, आईवी वेन के अंदर। तो बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो वेन में यूज नहीं किए जाते, इंटरमस्कुलर मास में यूज किए जाते हैं। तो मास में लगाने वाला इंजेक्शन यदि आप वेन में लगाओगे तो उससे पशु की जान भी जा सकती है। तो जो ही आपने निडल मारी एनिमल के और ब्लड नहीं आना चाहिए, उसके बाद जितना भी उसके उसको जैसे नीडल को ऐसे पूरा दबा के ना और फिर लगाएं, दवाई जितनी अंदर जाएगी बॉडी में उसको स्वेलिंग नहीं आएगी, कोई भी गांठ नहीं बनेगी। तो ये आप यदि सावधानी रखोगे, ब्लड वाली बात जैसे मैंने बोला कि नीडल मारती ब्लड आ जाता है, तो फिर आप नीडल को वापस निकाल लो और थोड़ा अलग जगह पर लगाओ। ऐसा कभी कभार होता है बाई चांस, हर बार नहीं आता ब्लड, तो ब्लड नहीं आना चाहिए इंटरमस्कुलर इंजेक्शन में, उसको पूरा दबा के आप लगाओगे तो दवाई अंदर जाएगी तो आपकी भैंस की क्या होगा, स्वेलिंग नहीं आएगी, सूजन नहीं होएगी। सूजन फिर भी आप पहली बार लगाते और हो जाती है तो उसके ऊपर आप बर्फ की डिप कर सकते हो, बर्फ की मसाज कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं सुबह शाम,
तीन से चार दिन करोगे तो आपकी वो भैंस की जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह यदि आप इंजेक्शन लगाओगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और वो बाजू को बचा के रखोगे तो अगले पाँव में कई बार भैंस जैसे लंगड़ा के चलती है, वो इसीलिए चलती है, माड़ी मोटी जो दवाई है वो लेग की वेन की कोई नस की साइड में चली जाती है, जिसके भैंस वजह से लंगड़ाने लग जाती है। तो आप इस सावधानी के साथ में नीडल जरूर चेक करें जब भी भैंस के इंजेक्शन लगाएं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप डॉक्टर का टाइम बचा सकते हो। एक दो बार आप इंजेक्शन लगाओगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका हाथ साफ हो जाएगा। धन्यवाद।